different use. All of the donor area should not be spent only on front, because hair loss is an ongoing process and donor area is limited for lifetime. It cannot be regenerated. It is a lifetime property, so it should be used very, very judiciously. We should not over harvest and we should not over implant. और देखिए, हम चलते चलते जहाँ पहुँचे थे, मैंने देखा कि डॉक्टर साहब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नज़र जो है ना हर तरफ रहती है। डॉक्टर साहब, आप अभी ये मैसेज कर रहे थे, कुछ बातें भी कर रहे थे, ये सब आप किसको गाइड करते हैं, कैसे आपसे? देखिए, आप वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं, आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपसे बहुत बहुत दूर से लोग ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं, कश्मीर हो गया, कनेडा हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ना जाने कितने कंट्री से आते हैं, और आप इतना बिजी रहते हैं, और मैंने देखा फ़ोन पर भी लगे हुए हैं, ये क्या कर रहे थे आप? ऐसा भाई साहब, आपके सभी चैनल के लिसनर को मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब, गुड नून, गुड डे। सर, ऐसा है कि आजकल क्लाइंट डायरेक्ट नहीं आता, आज वो गूगलाइजेशन करता है, गूगल के ऊपर 10 सेंटर देखता है, सभी को फ़ोटो भेज देता है, जिसके ऊपर उसको सस्ता रेट मिलता है वहाँ पहुँच जाता है, बाद में पता चलता है कि वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है, वहाँ पर 2 टेक्नीशियन अनट्रेंड लोगों ने सेंटर खोला हुआ है। तो ऐसे केसेस आते हैं जो कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद कईयों के बालों की ग्रोथ नहीं आई, कईयों का सिर पीछे से गंजा हो गया, आगे ग्रोथ नहीं आई, कईयों के पीछे जख्म हो गए, कईयों की इन्फेक्शन हो गई, कईयों की हेयर लाइन नहीं सही बनी होती, कई लोगों का एंगल ठीक नहीं बने होते, फेस के ऊपर वो ट्रांसप्लांट नहीं जचता है, बालों की डायरेक्शन ठीक नहीं दी गई होती। तो क्लाइंट्स जब मेरे पास फ़ोटो भेजते हैं तो मैं उसके बारे में उनको पूरी जानकारी देता हूँ, अपने सेंटर के बारे में अपने रिज़ल्ट भेजता हूँ, उनकी पहले तसल्ली कराता हूँ। जो आप देख रहे थे, क्लाइंट्स मेरे पास फ़ोटो भेज रहे थे और वो बार्गेनिंग कर रहे थे, तो मैं उनको बता रहा था कि सस्ते और अच्छे ट्रांसप्लांट में क्या फ़र्क है, घटिया और अच्छे ट्रांसप्लांट में क्या फ़र्क है, ये मैं उनको समझा रहा था। मैंने ये भी देखा, शू होते हैं जो अपने अच्छी कंपनी के होते हैं, चाहे वो 100 टाइम कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन वो 5-10 साल तक चलते हैं, लेकिन जो घटिया शू होते हैं 1000 के आ जाते हैं, वो बहुत कम चलते हैं। बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल आपकी बात सही है। मेरा सिर्फ ये उनको अवेयर करने का मकसद है कि बाल लगवाने के चक्कर में कहीं अपना सिर पीछे से ही गंजा ना करा बैठें, जो काम कराएं अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से मिलें, उनके रिज़ल्ट देखें, उनकी डिग्री देखें, उनसे डिस्कस करें, अपनी असेसमेंट कराएं। हमारे पास ये पीछे ट्राइकोस्कोप मशीन पड़ी है जो बालों ग्राफ्ट की क्वालिटी बताती है, असेस करने के बाद फिर अपना डिसीजन लें, ना कि सिर्फ गूगल के ऊपर ढूंढ के सस्ते के चक्कर में किसी गलत जगह फंस जाएं। मैं यही संदेश मेरे दोस्तों मैंने आपको देना था कि हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। थैंक यू। देखिए, कहने का मतलब ये है कि आप पहले कंसल्ट करें, डॉक्टर से मिलें, और उसके बाद ही, क्योंकि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। जो तो हमारी कहावत ही है कि अगर आपने बाल लगवाने भी हैं तो ऐसी जगह जाएं जहाँ से आपका जो ज़िंदगी का सवाल होता है, हेल्थ का सवाल होता है, ये बालों का सवाल है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, कि और ना बीमारी लगा बैठे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर साहब कहते हैं पहले मैं कन्विंस करता हूं, समझाता हूं, उसके बाद ही काम करता हूं। काम बहुत है, लेकिन गाहक की तसल्ली होना ही बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।